जय माता की 26 सितंबर 2022 को अश्वनी प्रतिपदा तिथि है। अश्वनी प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्र शुरू होते हैं। शारदीय नवरात्र का पहला दिन 26 सितंबर को है, इसलिए 26 सितंबर 2022 को ही कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है जानेंगे पंचांग के अनुसार। कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको अवगत करा चुके हैं। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको त्यौहार व्रतों का विधि विधान और शुभ मुहूर्त मिल सके। यहाँ पर हम बात करेंगे 26 सितंबर को जो घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:17 से शुरू हो रहा है और जो कि 7:55 तक रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, यूँ कहें सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कलश स्थापना का मुहूर्त है, यानी कि 1:38 का ये समय है और इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी होगी। ये सुबह का शुभ मुहूर्त है और ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। दोपहर के अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग सुबह घट स्थापना या कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक घट स्थापना कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त भी है। पंचांग कहता है कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से शुरू होता है और जो कि 12:42 तक रहता है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दोपहर के शुरू होगा और जो कि करीब 1 बजे के मध्य रहेगा। तो इसलिए दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्रा का कलश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। कलश स्थापना करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है, इनका विशेष ध्यान रखना है। कलश स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण होता है शुभ मुहूर्त, तो इसी मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ आपसे प्रसन्न होगी और आपको मनोवांछित फल प्रदान करके जरूर जाएगी। और अब की बार नवरात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब की बार सर्वश्रेष्ठ नवरात्रा हैं और माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।